बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर बनाइए और बताइए बना के कि आप कैसी बनी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हमारा बन के तैयार है गवार फली की मसाले वाली भाजी सूखी सूखी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गवार फली की और आलू की भाजी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसे तोड़ लिया, तोड़ के अच्छे से धो के और इसे मैंने बॉयल कर लिया, देख सकते हैं गल चुका है। तो बॉयल करके हम इसे साइड में रखते हैं और एक आलू मैंने काटा है। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई लिया है, उसे दो चम्मच ऑयल डाला है, यहाँ पे मैं एक चम्मच जीरा और हींग डालूंगी और इसे थोड़ा तड़कने देते। देखिए थोड़ा सा रख चुका है, फ्लेवर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज स्लाइस किया हुआ है, इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेते अच्छे से। और यहाँ पे मैंने तीन हरी मिर्चें लिए जो ऐसे मोटे मोटे मैंने टुकड़ों में काटा है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज का कच्चापन थोड़ा कम हो गया है, तो क्योंकि आलू हमारा कच्चा है तो प्याज के साथ में ही हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि गवार फली मैंने ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। खान इस तरीके से आप बनाएं ना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। देख सकते हो प्याज का पिंकिश प्याज है, तो ऐसे ही चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हम भूनेंगे प्याज के साथ में। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज का टमाटर को ऐसे स्लाइस किया हुआ है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं उसी नमक में से ऐड कर दे रही हूँ कि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो इसे हम अच्छे से भून लेते। मैंने लो मीडियम पे रखा हुआ है, देखिए टमाटर गल चुका है। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। मैंने ज़्यादा मसाला इसमें डालना नहीं है तो मैंने थोड़ा सा लिया है। चटपटा बनाने के लिए मैंने चाट मसाला लिया आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च और नमक। तो हम यहाँ पे ये सब ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं मसालों के साथ में। बहुत खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं मसाला को भूनना अच्छे से, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दो आधा कप पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी नहीं डाला और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हो अच्छे से मसाला भून चुका है, हर चीज़ मिक्स हो चुका है अच्छे से। तो जो मैंने यहाँ पे मैंने 150 ग्राम लिया था जो बॉयल किया था, वो फली मैं इसमें ऐड कर दूँगी गवार फली और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू भी गल चुका और ऑलरेडी ये गला हुआ है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चम्मच भर के सिंगदाना पाउडर डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने लो मीडियम पे रखा है और धीमी आंच पे इसे पकाना है। सब मैंने मिक्स कर दिया और लिड लगा के लो मीडियम पे मैं 5 से 6 मिनट तक इसे दम पे रखूँगी। थोड़ा देखते हो कितने अच्छे से ये पक चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया, कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है और खुशबू बहुत आ रही है। और इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देख सकते हो अभी ये हमारा तैयार हो गया है गवार फली की भाजी
सूखी सूखी बनाएं। इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते। अब यहाँ पे मैं गैस ऑन करूँगी, देख सकते हो भाजी आलू सब गल चुका है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ। वाह क्या कलर आया। तो अब यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। ये आप रोटी से खाइए, एंजॉय करो, बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर बनाइए और बताइए बना के कि आप कैसी बनी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हमारा बन के तैयार है गवार फली की मसाले वाली भाजी सूखी सूखी। देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। तो आप बनाइए और इंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।